हेलो फ्रेंड्स वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस मैं लोकेश टोगेशिया आपका फिजिक्स मेंटोर, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में तो गाइज हम बात कर रहे थे हमारे जो टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर और हमने देख लिया था बायो लॉ देखिए बायो लॉ पर डिस्कशन कर रहे थे हम बायो सावर्ट्स लॉ बाय सावर्ट लॉ पर डिस्कशन कर रहे थे बाय सावर्ट लॉ से हमें क्या मिलता है गाइस किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जिसकी वैल्यू आई थी हमारे पास dB बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाए आई डी एल साइन थीटा बाय करेक्ट ये वैल्यू हमने डराइव की थी जो कि थी म्यू नॉट अपॉन फोर पाए आर स्क्वायर यहाँ पर म्यू नॉट जो था आपका उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमिबिलिटी और इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास म्यू नॉट की वैल्यू थी फोर पाए इन टू टेन टू दावर माइनस सेवन यूनिट एम्पियर पर सॉरी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर या वेबर पर एम्पियर मीटर कुछ भी लगा सकते हैं हम क्लियर तो यहां तक का डिस्कशन हम कल कर चुके थे आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोसावट्स लॉ पर चलिए आगे बढ़ते हैं आज की हमारे हेडिंग लगाते हैं देखिए वो है एप्लीकेशन एप्लीकेशंस ऑफ बायोसावट्स लॉ एप्लीकेशन ऑफ बायोसाव लॉ एप्लीकेशन ऑफ मीनिंग क्या है कि लॉ लॉ की की से, जो आपको मिली है, उसकी हेल्प से आप किन किन की वजह से किसी पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है तो उससे इन सिक्वेंस में देखिए हम आज बात कर रहे हैं पहली हेडिंग लगाते हैं हम हमारी फर्स्ट हेडिंग मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक Field due to current carrying, yeah, magnetic field at the at the center of current carrying center of current carrying circular. Coil. हम जो बात करने जा रहे हैं वो है गाइस मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैराइंग सर्कुलर कॉयल ये आपकी पहली एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर ऑफ करंट कैराइंग सर्कुलर कॉयल देखिए किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैराइंग सर्कुलर कॉयल मान लीजिए कि ये आपकी एक सर्कुलर कॉयल है इस तरह से सर्कुलर कॉयल है ऑफ रेडियस कैपिटल आर इस सर्कुलर कॉयल की रेडियस जो है गाइस कितनी है कैपिटल आर और इस कॉयल में इस कॉल में करंट जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में आई करंट जो है वो फ्लो हो रहा है आई करंट फ्लो हो रहा है तो मैंने कहा था कि हमें हम जानते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसकी डायरेक्शन कहाँ होगी आउटवर्ड वो हम कहाँ से फाइंड कर लेंगे फ्लैमिंग राइट हैंड थम्ब रूल से फ्लैमिंग राइट हैंड थम्ब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी बाहर की तरफ तो डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए हमें तो मैग्नीट्यूड आएगा आपके पास कहाँ से बायस आवर्ट्स लॉ की हेल्प से तो आइए बात करते हैं बायसवर्ट्स लॉ की अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग की वैल्यू जो आएगी हमारे पास में वो क्या होगी म्यूनोट अपॉन फोर पायलोट साइन थीटा बाय स्क्र और हम जानते हैं गाइज के बायोसव लॉ जो होता है वो एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए ही एप्लीकेबल होता है बायोसव लॉ जो होता है वो एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए ही क्या होता है गाइस एप्लीकेबल होता है तो यहां पर हम कैराइंग एलिमेंट कंसिडर करते हैं मान लीजिए मैंने यहां पर ये छोटा सा एलिमेंट कर लिया ये छोटा सा एलिमेंट कर लिया तो हम पहले मैग्नेटिक फील्ड बात फाइंड करेंगे इस छोटे से एलिमेंट के लिए करंट कैराइंग एलिमेंट के लिए तो इस करंट कैराइंग एलिमेंट के लिए देखिए यहाँ पर अगर मैं थीटा देखू तो कितना आ रहा है नाइनटी डिग्री सबसे पहला जो थीटा आपको यहाँ पर मिल रहा है करंट कह रहा है एलिमेंट को और ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपको ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये रहा पी इसको जॉइन करने के बीच में जो एंगल बनता है गाइस वो कितना बनता है 90 डिग्री क्लियर तो यहां पर ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो आपके पास में देखिए डीबी की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास डीबी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी म्यू नॉट अपॉन फोर पाए आई डी एल बाय आर इज वॉट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड करंट कैरिंग एलिमेंट इसको अगर हमने कैपिटल आर मान रखा है तो आप इसे कैपिटल आर लिख लीजिए कोई इश्यू नहीं है ये हो जाएगा कैपिटल आर क्लियर तो छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से देखिए हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ चुकी है डीबी इक्वल टू म्यूनोट अपॉन फोर पाए आई डी एल बाय आर स्क्वायर चलिए आगे बढ़ते हैं तो फर्दर डीबी की वैल्यू क्या आई हमारे पास म्यूनोट अपॉन फोर पाए आई डी एल बाय आर स्क्वायर यह एक छोटे से करंट कहेंगे एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गई देअर फोर देयर फोर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल सर्कुलर कॉइल पूरी सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल सर्कुलर कॉल पूरी कंप्लीट सर्कुलर कॉयल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना पड़ेगा हमें डीबी का लिमिट्स के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा हमें डीबी का लिमिट्स प्रॉपर लिमिट्स के साथ में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा गाइस ठीक है तो आइए देखते हैं इंटीग्रेशन किस तरह से होगा बी बी की वैल्यू अगर पुट करें तो ये हो जाएगा म्यूनोट अपॉन फोर पाए आई डी एल बाय आर स्कियर यहां पर देखिए म्यूनोट फोर आई और आर ये सारी की सारी वैल्यूज कॉन्स्टेंट हैं तो ये बाहर आ जाएगी इंटीग्रेशन प्रोसेस से म्यूनोट आई अपॉन फोर पा आर स्कवायर सारी वैल्यूज बाहर आ जाएंगी तो अंदर क्या रहेगा आपके पास ओनली एंड ओनली डीएल देख सकते हैं आप अंदर क्या रहेगा आपके पास ओनली एंड ओनली इज इट क्लियर ओनली एंड ओनली डी एल ना अब डीएल के रेस्पेक्ट मतलब में मतलब लेंथ के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है तो यहां पर लिमिट भी किसकी पुट करनी पड़ेगी लेंथ की जो कि होगी फ्रॉम जीरो इंटीग्रेशन करने के लिए अगर सर्कुलर कॉयल की कंप्लीट लेंथ को ट्रेवर्स किया जाए तो वो जीरो से कहां तक ट्रेवर्स होगी सर्कम्फ्रेंस और सर्कल के इक्वल और सर्कल की सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होती है टू पाए आर के इक्वल होती है क्लियर चले तो यहां पर देखिए बी की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास म्यू नॉट आए अपॉन फोर पाए आर स्क्वा और डी एल का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल फ्रॉम जीरो टू तो टू पाए आर अगर मैं यहां पर इस लिमिट को पुट कर देता हूं तो म्यू नॉट आय अपॉन फोर पाए आर स्क्वेर वैल्यू बन जाएगी गाइस टू पाए आर माइनस जीरो एल जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो आपके पास में बी की वैल्यू बन जाती है देखिए म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाएर इन टू टू पाए पाई से पाए कैंसल आर से आर कैंसल टू से फोर कैंसल तो आपके पास फाइनली जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा म्यू नॉट आई बाय टू आर देख लीजिए आपके पास में फाइनल मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड हो जाता है ठीक है सेंटर कॉइल ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैराइंग सर्कुलर कॉइल क्लियर चलिए ओके ठीक है तो यहां तक तो की बात समझ में आई ये आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन यहां पर कंप्लीट हो जाती है चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं और सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं गाइस सेकंड एप्लीकेशन सेकंड एप्लीकेशन क्या होगी यहां पर हमारे पास देखिए ये होगी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एट दी एक्सेस ऑफ अ सर्क्यूलर करंट कैराइंग कॉयल देखिए हम अब हमें फाइन करना है क्या मैग्नेटिक फील्ड एट दी एक्सेस ऑफ अ सर्क्युलर करंट कैराइंग कॉयल मैंने सर्कुलर करंट कैराइंग कॉयल के सेंटर पर हम फाइंड कर चुके हैं लेकिन अब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे कहाँ पर एट दी एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैराइंग कॉयल एक्सिस का मतलब क्या हो गया देखिए मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ सपोज कीजिएगा ये आपकी सर्कुलर कॉयल है इस तरह से ये सर्कुलर कॉयल है और ये सर्कुलर कॉयल की रेडियस हो गई गाइस कितनी आर कैपिटल आर तो ये वाली जो एक्सिस है ये वाली लाइन ये आपके सर्कुलर करंट कैराइंग क्या हो जाएगी सर्कुलर करंट की मैंने इसे मान लिया सपोज करंट जो है वो इस 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 डायरेक्शन में यहां पर फ्लो हो रहा है क्लियर तरह तरह से <coughs> इस तरह से सॉरी देखिए क्या हो रहा है यहां पर इसमें करंट आई जो है वो फ्लो हो रहा है और ये एक्स डिस्टेंस जो है ये क्या है ये आपके एक्सिस की डिस्टेंस है ये किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस है ठीक है जो कि इस सर्कुलर करंट कैराइंग की एक्सिस पर प्रेजेंट है पॉइंट पी ये आपके सर्कुलर करंट की एक्सिस हो जाएगी तो इस एक्सिस पर सर्कुलर करंट कैराइंग कॉइल से एक्स डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्लियर yeah. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बास आउट लॉ की हेल्प लेंगे अकॉर्डिंग टू देखिए पर अगर मैं की हेल्प लेता हूं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? दो छोटे -छोटे करने पड़ेंगे, तो यहां पर देखिए करंट कहा जा रहा इस डायरेक्शन में करंट कहा जा रहा है इस डायरेक्शन में इस एलिमेंट को मैं सबसे पहले क्या करूंगा ज्वाइन करूंगा पी से इस डिस्टेंस को मान लिया मैंने आर तो इस डिस्टेंस की वजह से सॉरी इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से इस तरह से देखिएगा इधर करंट बाहर की तरफ आ रही है करंट बाहर की तरफ आ रही है तो इस पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बनेगी आपके पास में ये एक छोटा सा हम क्या कर रहे हैं करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ले रहे हैं ठीक है तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी गाइस वो कुछ इस तरफ होगी db1 बाय राइट हैंड थंब रूल db1 ये एंगल मैंने मान लिया कुछ अल्फा है सिमिलरली अगर इस पॉइंट को भी मैं पॉइंट p से जॉइंट कर देता हूं तो करंट कहलाएंगे कॉइल की वजह से देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी नीचे की तरफ होगी db2 बात समझ में आ रही है आपको कुछ इस तरह से तो जनरली क्या होगा इन दोनों एलिमेंट्स की वजह से यहां पर भी ये जो आपका एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है अल्फा ठीक है इसको हम क्या करते हैं में कर देते हैं इस तरह से तो देखिए दोनों करंट कैरिंग एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां आ रही है ऊपर की तरफ और दूसरी की वजह से आ रही है नीचे की तरफ मतलब पॉइंट पी पर आपका ये जो कॉयल का हाफ पोर्शन होगा ना अपर पोर्शन इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी ऊपर की तरफ और बाकी बचे हाफ पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी नीचे की तरफ ये समझ पा रहे हैं आप एंड बात ज्योमेट्री ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये वाला जो एंगल होगा ये वापस क्या बन जाएगा अल्फा और ये वाला एंगल भी वापस क्या बन रहा है यहां पर अल्फा ये देख पा रहे हैं आप क्लियर इज इट क्लियर ये बात आपको समझ में आ रही है देखिए ज्योमेट्री से क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और ये लाइन ज्वाइनिंग के बीच में एंगल होता है नाइनटी डिग्री और यहां पर भी ये परपेंडिकुलर एक्सिस और ये एक्सिस के बीच में होगा 90 डिग्री तो ये वाला एंगल जो होगा वो हो जाएगा 90 माइनस अल्फा और इसमें से इस ये पूरा एंगल 90 है तो 90 माइनस नाइनटी माइनस अल्फा करेंगे तो दोबारा आपको मिलेगा अल्फा ठीक है आप चेक कीजिएगा आपको ये एंगल दोबारा अल्फा मिलेगा ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ना तो इस तरह से कहानी आ गई हमारे पास में तो देखिए एक पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड्स तो पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को रिजोल्व करेंगे अगर हम रिजोल्व करते हैं तो यहां पर मिलता है आपको डी बी अल्फा और इसके परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट मिलेगा डी बी अल्फा अगेन इसके लिए भी क्या होगा इसके लिए भी अगर मैं ये डी और डी लिख लेता हूँ डी लिख लेता हूँ यहाँ पर इसके लिए अगर हम रिजोल्व करें तो यहां पर हो जाएगा dB2 टू कॉस अल्फा और इसी के परपेंडिकुलर हो जाएगा डी बी टू साइन अल्फा इज इट क्लियर देख पा रहे हैं आप इस तरह से मैंने क्या किया है दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स को कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया है तो क्योंकि यहां पर यहां पर गाइस dB1 वन का मैग्निट्यूड जो है वो डीबी टू के इक्वल है क्योंकि दोनों एलिमेंट्स की लेंथ सेम है और दोनों एलिमेंट से पॉइंट पी ऑब्जर्वेशन की डिस्टेंस भी क्या है सेम है तो ये दोनों मैग्नेट्यूड आपके क्या है इक्वल है कैंसल आउट डीबी कॉस अल्फा क्या हो जाएगा कैंसल आउट क्लियर आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा ड्यू टू होल करंट कैराइंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू होल करंट कैराइंग कॉइल विल ओनली ड्यू टू डीबी साइन अल्फा इस कॉइल पर सारे छोटे 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 छोटे, -छोटे एलिमेंट्स के साइन अल्फा कॉम्पोनेट्स जो है वो एक साइड डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे और कॉस अल्फा कॉम्पोनेट जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगे तो मैं कह सकता हूं कि इस पूरी कॉइल की वजह से पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो आएगा ड्यू टू तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन अल्फा ये किसकी वजह से आएगा ड्यू टू तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन अल्फा क्या ये बात आपको समझ में आएगी ये बात आपको समझनी पड़ेगी गाइस क्लियर देख सकते हैं आप और वैसे भी करंट सर्कुलर कॉइल के लिए अगर हम राइट हैंड रूल लगाते हैं तो हमारी करंट अगर इस में जा रही है तो आपकी होगी? इसी डायरेक्शन इस 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 के वो एड हो जाएंगे और एडअप होकर ही वो क्या बनाएंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं आप चलिए तो यहां तक की बात समझ में आ गई अब हम बात करते हैं देखिए तो बी बी के लिए वैल्यू क्या बनी मेरे पास इंटीग्रेशन डी बी साइन अल्फा नाउ, डीबी की वैल्यू पुट करते हैं बाय बायोसावट्स लॉ बायो सावर्ट्स लॉ बायोसावर्ट्स लॉ से अगर हम डीबी की वैल्यू पुट करते हैं तो b क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा म्यू नॉट बाय फोर आई डी एल साइन थीटा बाय आर साइन अल्फा ये बन जाएगा यहां पर देखिए थीटा जो है आपका थीटा ये अगेन क्या होगा 90 डिग्री थीटा क्या होगा 90 डिग्री थीटा क्या है इस छोटे से एलिमेंट को पॉइंट पी से ज्वाइन करने वाला एंगल बिल्कुल अगर ये छोटा सा आप एलिमेंट लेंगे तो यहां पर ये क्या कर रहा होगा ये 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा एलिमेंट के साथ में क्लियर बिल्कुल टी शेप इस तरह का टी शेप बन रहा होगा तो ये टी शेप पर एंगल क्या बनेगा आपके पास 90 तो थीटा आपका यहां पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री डिग्री हो गया तो की की बन जाती है हमारे पास में कर लेते हैं देखिए प्रीवियसली यहां से देखेंगे तो आपको एक ट्रायंगल मिल रहा है आर एक्स और स्मॉल आर ठीक है साइड्स का एक ट्रायंगल मिल रहा है जिसका एंगल क्या है अल्फा तो इस ट्रायंगल में अगर इस ट्रायंगल में अगर मैं साइन अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने जाऊं तो वो क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस तो देखिए क्या हो जाएगा फ्रॉम फिगर साइन अल्फा आपका हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस माने कैपिटल आर बाय स्मॉल आर साइन अल्फा की वैल्यू कैपिटल आर बाय स्मॉल आर इसको मैं यहां पुट कर देता हूं तो बी बन जाता है देखिए म्यू नॉट आई डी एल अपॉन फोर पाए आर बाय स्मॉल आर तो बी हो जाएगा आपका देखिए म्यू नॉट आई कैपिटल आर अपॉन फोर आर क्यूब और अंदर केवल रह जाएगा डी एल क्योंकि ये सारी वैल्यूज क्या हो गई कांस्टेंट हो जाती है भाई सारी वैल्यूज़ क्या हो जाती है कांस्टेंट हो जाती है देख सकते हैं आप क्लियर चलिए तो अगर डीएल का इंटीग्रेशन हम यहां पर करते हैं तो आपको लिमिट्स पुट करनी पड़ेगी लिमिट आपकी अगेन क्या हो जाएगी टू पाए जीरो पर अगर आप इस पूरे डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा आपका सर्कम ऑफ सर्कल कवर हो जाएगा और लिमिट आपकी आ जाएगी यहाँ पर फ्रॉम जीरो टू टू पाए आर तो ये बन जाता है म्यू नॉट आई आर अपॉन फोर पाए कैपिटल आर इंटीग्रेशन एल जीरो टू टू पाए आर क्लियर तो देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा बी म्यू नॉट आई कैपिटल आर अपॉन फोर पा स्मॉल आर क्यूब टू पाई आर माइनस जीरो देखिए जरा हम्म चलिए तो अगर आप इसे सॉल्व करें तो देखिए पाई से पाई टू से फोर कैंसिल हो जाएगा B की वैल्यू आ रही होगी आपके पास म्यू नॉट आई आर स्कॉन टू आर क्यूब देखिये बी की वैल्यू क्या बन गई नई आर स्कॉन टू आर क्यूब अगर देखा जाए तो हमारे पास में बी का मैग्नीट्यूड जो है वो यहां पर आ चुका है लेकिन हमें यहां पर स्मॉल आर की वैल्यू को रिप्लेस करना है गाइस क्योंकि ये एलिमेंट्री छोटे से एलिमेंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी की डिस्टेंस है लेकिन हमें फाइनल में फाइनल रिजल्ट में उस एलिमेंट की डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है तो देखिए यहां से अगेन फ्रॉम फिगर इस फिगर के अंदर अगर आप देखें यहां पर अगेन इस ट्राइंगल को देखिए तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहां पर हम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं थ्योरम क्या हो जाएगी स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर प्लस एक्स स्क्वायर तो देखिए पाइथागोरस अगर मैं अप्लाई करता हूं तो स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Capital r square plus x square. Small r square कितना हो जाएगा Capital r square plus x square. और सिर्फ r जो होगा वो होगा वो की पावर तो यहां से आर क्यूब को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर और आर की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बनती है आर स्क्वास स्क्वायर की होल पावर थ्री बाय टू देख लीजिए आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर की होल पावर थ्री बाय टू तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा आपके पास वो आएगा म्यूनोट आई अपॉन म्यूनोट आई आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क् होल पावर थ्री बाय टू देख सकते हैं आप क्लियर यह आपका फाइनल रिजल्ट हो जाता है ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एट द एक्सेस ऑफ अ करंट कैराइंग सर्कुलर कॉयल देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सेस ऑफ अ करंट कैराइंग सर्कुलर कॉयल इस तरह से क्लियर है एंड आप चाहें तो इसमें हम कुछ केसेस भी ले सकते हैं देखिए स्पेशल केस स्पेशल केस वन स्पेशल केस वन क्या अगर मैं यहां एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दूं क्या पुट कर दूं

तो यहां से आर स्क्वायर से r और कैंसिल हो जाता है और b की वैल्यू देखिए दोबारा क्या आई म्यू नॉट आई अपॉन टू जो कि हम इससे प्रीवियस वाली एप्लीकेशन में ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं तो ये यह चीज यहां से भी क्या होती है एज इट इज प्रूफ होती है कि हम गलत नहीं हैं ओके क्लियर और देख लेते हैं देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं सिमिलरली केस सेकेंड सेकंड में अगर आप X की वैल्यू को इन्फिनिटी रखें क्या रखें infinity तो क्योंकि अपॉन में इंफिनिटी हो जाएगा तो बी की वैल्यू वहां पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी गाइस जीरो हो जाती है बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी जीरो हो जाएगी ध्यान रखेगा इस बात को क्लियर सिमिलरली केस थर्ड केस थर्ड में अगर एक्स की वैल्यू हम आर के रख दें मतलब एक्सिस पर जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है रेडियस ऑफ कॉइल के इक्वल है तो वहां पर मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट आई आर स्कॉन टू आर स्क्वायर की होल पावर थ्री बाय टू बी की वैल्यू आएगी आपके पास म्यू नॉट आई आर स्क्वा टू इन टू टू की पावर थ्री बाय टू आर क्यू तो आर स्क्वायर से आर क्यूब तो कैंसिल हो गया इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए म्यू नॉट आई अपॉन टू यहां पर है ये टू की पावर थ्री बाय टू को आप कैसे लिख सकते हैं टू रूट टू तो ये हो जाएगा फोर रूट टू इंटू आर मैग्नेटिक <coughs> फील्ड आर डिस्टेंस पर कैपिटल आर डिस्टेंस पर आपके पास में आ जाती है म्यू नॉट आई फोर रूट टू आर देख सकते हैं आप आपका केस स्पेशल केस वन ये केस टू और ये केस थ्री एक और केस देख लेते हैं देखिए इंपॉर्टेंट है केस सॉरी फोर व्हेन एक्स बिकम्स इक्वल टू आर बाय टू आर बाय टू देखिए एक्स बिकम्स इक्वल टू आर बाय आर टू होने का मतलब क्या है अगर आर बाय टू होने का मतलब अगर यहां पर हम डिस्टेंस जो है वो कितनी कर दें रेडियस की हाफ एक्सिस पर डिस्टेंस रेडियस की हाफ तो बी की वैल्यू क्या आती है देखिए म्यू नॉट आई अपॉन टू म्यूनोट आई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय फोर की पावर थ्री बाय टू यही हो जाएगा आपका जो एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग म्यूनोट आई आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय फोर की होल पावर थ्री बाय टू इसको अगर सॉल्व करें तो म्यूनोट आई आर स्क्वायर अपॉन टू ये हो जाएगा आपका फाइव आर स्क्वाय फोर होल पावर थ्री बाय टू तो b की वैल्यू अगर इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा फोर की पावर थ्री बाय टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन टू फाइव रूट फाइव आर क्यूब आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल और b आपका क्या बनेगा देखिए फोर रूट थ्री बाय टू का मतलब हो गया फोर इंटू फोर की पावर वन बाय टू तो ये फोर इंटू फोर की पावर वन बाय टू हो जाता है टू फोर इंटू टू एट एट म्यू नॉट आई अपॉन में आ जाएगा आपके पास में टेन रूट फाइव टेन रूट फाइव आर तो ये आपके पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है आप चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं फोर म्यू नॉट आई डिवाइड बाई फाइव रूट फाइव आर दोनों का मीनिंग एक ही है गाइस क्लियर तो फोर्थ अगर हम डिस्टेंस आर बाय टू कर दें डिस्टेंस क्या कर दें आर बाय टू कर दें तो वहां पर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो फोर तो ये आपकी जो है है सेकंड एप्लीकेशन यहां पर फुलफिल हो जाती है। देख सकते हैं आप क्लियर अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाता हूं ध्यान रखिएगा इधर देखें अगर यहां पर हम क्या करें ग्राफ बनाए मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस का मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस का तो वो ग्राफ कुछ आपको इस तरह से मिलेगा ये आपका सेंटर पॉइंट हो जाएगा क्लियर ये आपका क्या हो जाएगा सेंटर पॉइंट और आपको जो ग्राफ मिलता है वो कुछ इस तरह से इस तरह से मिलता है इस तरफ भी डिस्टेंस है और इस तरफ भी डिस्टेंस है आर आर अगर आप इस तरफ जाएंगे ये आपका सेंटर पॉइंट हो जाता है गाईस. ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया यह आपका सेंटर पॉइंट हो गया क्लियर सेंटर पॉइंट से जैसे जैसे जाएंगे आपको मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से मिलती चली जाएगी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी और आर के बीच में जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से प्लॉट होता है ठीक है क्लियर चलिए तो ये आपकी थर्ड एप्लीकेशन यहां कंप्लीट हो जाती है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं जो कि है नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हेल्म होल्डस कॉयल हेल्म होल्ड्स कॉयल देखिए हेल्म होल्ड्स कॉयल क्या कहता है इसका स्टेटमेंट इट इज दी कॉम्बिनेशन of two circular it is the combination of two circular current carrying circular coils. It is the combination of two circular current carrying coils having सेम रेडियस एंड सिमिलर अमाउंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन इट हेलम होल्ड कॉइल क्या होती है गाइस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सर्कुलर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल्स हैविंग सेम रेडियस एंड सिमिलर अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन इट उन दोनों की रेडियस क्या होती है सेम होती है और सेम ही अमाउंट का करंट जो है वो क्या होता है उन दोनों में फ्लो होता है जब उन दोनों ही कॉइल्स में सेम अमाउंट का करंट फ्लो होता है इन सेम डायरेक्शन उसके साथ साथ ऑल्सो इन सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन देन द रीजन बिटवीन दीस टू कॉइल्स मेड देन द रीजन बिट्वीन दीज टू कॉइल्स मेड इस्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन क्लियर हेलम होल्ड कॉइल का देखिए हेलम होल्ड कॉइल का होती है दैट इट इज देशन ऑफ टू सर्कुलर सर्कुलर कॉय हैविंग सेम रेडियस एंड सिमिलर अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन इट फ्लोइंग इन इट इफ सेम डायरेक्शन इन सेम डायरेक्शन दैन द रीजन बिट्वीन दीज टू कॉल्स ठीक है इन सेम डायरेक्शन तो उस वजह से इन दोनों के बीच में सेंटर में बीच में जो रीजन फॉर्म होता है वो कैसा रीजन होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन होता है तो बेसिकली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है ध्यान रखिएगा। क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जिसकी वजह से आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन जो है वो कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं इज इट क्लियर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन क्या कर पाते हैं आप कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं क्लियर कुछ इस तरह से होता है देखिए देखिए इस तरह से क्या है आपके पास में मान लीजिए ये एक कॉल है क्लियर इसकी रेडियस क्या है आर और इस कॉल में करंट जो है वो कुछ इस तरह से हम फ्लो करवा रहे हैं वहीं पर इससे आर डिस्टेंस पर इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक दूसरी कॉइल हम अज्यूम कर लेते हैं इसकी रेडियस भी क्या है आर इसमें भी जो करंट फ्लो हो रहा है गाइस वो सेम डायरेक्शन में सेम अमाउंट का करंट फ्लो हो, हो रहा है तो इन दोनों दोनों की रेडियस सेम है और दोनों को कहा सेपरेट किया जाता है इनकी रेडियस के बराबर इक्वल डिस्टेंस पर ही सेपरेट किया जाता है तो यहां पर जो रीजन क्रिएट होगा आपका वो ध्यान रखेगा कैसा होगा वो रीजन होगा गाइस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन अगर इसके सेंटर पर मैं एक पॉइंट ऑब्जर्व कर लेता हूं सेंटर पर क्या करता हूं एक पॉइंट ऑब्जर्व कर लेता हूं तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बी वो कैसी होगी इस पूरे रीजन में कांस्टेंट होगी अगर यहां पर आप बी कैलकुलेट करने जाएंगे तो कैसे करेंगे यहां पर बी हो जाएगी बी वन प्लस बी टू इन दोनों को मैं ऐड क्यों कर रहा हूं क्योंकि इन दोनों की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो सेम आएगा ठीक है इस वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कहां है अंदर की तरफ और इस वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कहां है अंदर की तरफ तो सेम डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी तो आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी वन प्लस बी टू अब यहां से इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो ये एक्शियल पॉइंट हो गया फर्स्ट कॉइल का डिस्टेंस ये एक्शल एक्शल पॉइंट हो गया आपका और डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी आर बाय टू एक्सिस की और ये वाला भी आपका क्या हो गया एक्शल पॉइंट हो गया और डिस्टेंस कितनी हो गई आर बाय टू समझ पा रहे हैं आप इस बात को चलिए तो ये कहानी अगर यहां पर हो जाएगी तो B1 और B2 की वैल्यूज क्या आएंगी हमारे पास हम यहां पर यह वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं ठीक है हमारी एप्लीकेशन नंबर सेकंड के केस नंबर फोर्थ में क्या वैल्यू आई थी फोर म्यू नॉट आई अपॉन फाइव रूट फाइव आर प्लस फोर म्यू नॉट आई अपॉन फाइव रूट फाइव आर आपके पास में बी यूनिफॉर्म की वैल्यू हो जाती है गाइस एट म्यू नॉट आई अपॉन फाइव रूट फाइव आर देख लीजिए ये वैल्यू हो जाती है आपके पास एट म्यू नॉट आई अपॉन फाइव रूट फाइव आर ये जो वैल्यू है अगर हम इसको और सोल्व करते हैं आगे तो आप इसको कुछ बी यूनिफॉर्म को आप लिख सकते हैं कुछ 1.5 टाइम्स बी सेंटर यह आपको लगभग लगभग सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है ना हमें उसका कुछ 1.5 टाइम्स मिलेगी अब अगर ये पॉइंट आप इसको शिफ्ट करके यहां ले लेंगे तो देखिए फर्स्ट वाली कॉल से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी तो उतने ही अमाउंट में सेकंड वाली कॉल से मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी तो आप उन दोनों को ऐड करेंगे तो उनका जो सम रहेगा वो क्या रहेगा कांस्टेंट अगर इस पॉइंट को आप यहां ले लेंगे तो फर्स्ट वाली कॉयल से डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो सेकंड वाली कॉल से उतनी ही डिस्टेंस क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी तो अगेन इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स की वैल्यू चेंज चेंज होगी लेकिन इनका जो सम रहेगा वो क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा बात समझ में आ रही है आपको ये होती है आपकी हेलम कॉइल नाउ अगर मैं यहां पर हेलम होल्ड कॉइल के लिए देखिए ग्राफ प्लॉट करता हूं तो वो ग्राफ किसके लिए आएगा फर्स्ट कॉइल का जो ग्राफ होगा आपका वो कुछ इस तरह से चलेगा सेकेंड कॉइल का ग्राफ भी आपके पास इस तरह से चलेगा आपके पास जो बी यूनिफॉर्म की वैल्यू आएगी बी यूनिफॉर्म की वो आपको इस तरह से यहां मिलेगी कहीं ये आपकी क्या हो जाएगी बी यूनिफॉर्म ये ऊपर क्यों बनी क्योंकि मैंने क्या कहा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी ये सेंटर पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड है ये बी वन और ये बी टू क्लियर बी वन और बी टू इन दोनों से ही क्या होगा 1.5 टाइम्स क्या होगा बी की वैल्यू आपको उस रीजन के बीच में मिलेगी जो कि किससे शो की जाएगी इस ठीक है पैरामीटर या इस ग्राफ से क्लियर ये दोनों तो क्या होगा ये दोनों तो आपके दोनों कॉइल्स की सेपरेट मैग्नेटिक फील्ड के कर्व हो गए और ये आपका यूनिफॉर्म रीजन का कर्व बन जाता है तो इसे कहते हैं गाइस हम हेल्म होल्ड कॉयल देख सकते हैं आप ये आपकी बन जाती है हेल्म होल्ड कॉयल इस तरह से हमें इसे डिफाइन करना होता है और यहाँ पर आपका जो बायोसावर्ट्स लॉ और उसकी एप्लीकेशन वाला जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाता है बास ऑवटो एंड इसकी एप्लीकेशन का जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाता है ठीक है आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ में गाइस। तब तक पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए और जागृति क्लास के साथ अपना प्रेम इसी प्रकार से बनाए रखिए गाइस थैंक यू गाइस हैव नाइस डे थैंक यू